2021 जिसकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई, जो बड़ा ही सुहाना लगा। अब आप एक बार फिर से अपने अरमानों के पंख फैला सकते हैं। ऐसे में LG Wing 5G आपके अरमानों के पंखों को नई हवा देगा। ये फोन ना सिर्फ अपने इनोवेटिव डिजाइन बल्कि बेहतरीन मल्टीटास्किंग की वजह से आपको इम्प्रेस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको इस फोन के बारे में सब कुछ बता देता हूं। अब सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि जैसे आप इस फोन को हाथ में पकड़ेंगे तो आप वाव जरूर कहेंगे। इसके बैक और फ्रंट दोनों में कर्व्ड ग्लास मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी शानदार है। हालांकि डुअल स्क्रीन की वजह से ये फोन थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन इसका इनोवेटिव डिजाइन इस कमी को दूर करता है। कंपनी ने इसे स्विवेल फॉर्म फैक्टर में पेश किया है, जो कि इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन है। इस तरह का डिजाइन आपने पहले नहीं देखा होगा। मल्टी डिस्प्ले वाले इस फोन को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे खास बात कि इसका उपयोग गिम्बल की तरह कर सकते हैं, जो कि बहुत काम का है। खैर, गिम्बल के बारे में अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। इस फोन में 6.8 इंच का फ्लॉलेस POLED फुल विजन डिस्प्ले दिया गया है। फुल विजन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि फोन का एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है, जो सिनेमैटिक व्यू देता है। फोन में 3.9 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले है। इसके लिए कंपनी ने GOLED का उपयोग किया है। हालांकि डुअल डिस्प्ले और स्टाइलिश डिजाइन को देखकर आपको अच्छा जरूर लगा होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में डर जरूर होगा कि कहीं ये खराब ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें ड्यूरेबल हिंज मूवमेंट का उपयोग किया है और लॉन्च से पहले 200,000 बार से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने का दावा किया है। ऐसे में आपका फोन स्क्रीन सोयल की वजह से खराब नहीं होगा। इसके साथ ही फोन को वाटर रेपेलेंट कोटिंग एंड एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है, जो बहुत हद तक पानी की छींटों और धूल से सुरक्षित रखता है। वहीं ये फोन मिलिट्री स्टैंडर्ड 810G कंप्लायंट भी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कंपनी की ओर से आपको एक स्टाइलिश डिजाइन वाला प्रीमियम फोन मिलता है, जो सुरक्षित भी है। डिजाइन से आगे बढ़कर अगर हम कैमरा की बात करें तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ये फोन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस कराता है। फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f1.8 है और ये वाइड एंगल सपोर्ट करता है। वहीं PDAF और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। फोन का दूसरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, जो 117 डिग्री वाइड एंगल सपोर्ट करता है, और तीसरा 12 मेगापिक्सल का है और ये 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड के साथ आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो दो वाइड एंगल लेंस से क्या होगा, तो आप खुद ही देख लीजिए। LG Wing में कैमरा को आप डुअल मोड में यूज कर सकते हैं। सिंपल मोड में साधारण फोन कैमरा की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इसे अलग बनाता है गिम्बल इनोवेशन। फोन में गिम्बल मोशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, जो स्टेडी वीडियो शूट करने में काफी मददगार साबित होता है। वहीं इसका फॉर्म फैक्टर इसमें 4 चांद लगा देता है। एक स्क्रीन वीडियो शूट करती है, जबकि दूसरी स्क्रीन पर आप कंप्लीट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पैन, टिल्ट, रोल, लॉक विथ हैंडी जॉयस्टिक एंड लॉक ट्रिगर जैसे ऑप्शंस आते हैं। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको फॉलो मोड, पैन फॉलो मोड और फर्स्ट पर्सन व्यू मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो दो वाइड एंगल लेंस दिए गए हैं, उसका फायदा यह है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको बहुत हद तक हाथों को मूव करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर से ही कैमरे को मूव किया जा सकता है और गिम्बल डेमो आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टाइम लैप्स कंट्रोल और स्लो मोशन जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। रही बात पिक्चर क्वालिटी की, तो आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। फोन में 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा दिया गया है और इसमें भी आप कमियां नहीं निकाल सकते। पिक्चर क्वालिटी आप यहां देख सकते हैं। फोटोज आपने देख ली, लेकिन फोन की एक और खासियत है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डुअल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है।
आप एक ही समय पर दोनों कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं और शॉट्स को साइड बाय साइड, पिक्चर इन पिक्चर या फिर स्प्लिट स्क्रीन में सेपरेटली देख पाएंगे। डुअल स्क्रीन वाले इस फोन के बारे में तो मैंने आपको थोड़ी जानकारी दे दी, लेकिन इसका असली मजा डुअल डिस्प्ले के फुल यूज और मल्टीटास्किंग में है। यदि आप गेमिंग के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए ये फोन काफी शानदार है। आप जब इसमें गिम्बल स्टाइल में गेम खेलते हैं तो ऊपर की छोटी स्क्रीन में एडिशनल कंट्रोल मिल जाएंगे। वहीं एस्फाल्ट 9 जैसे गेम में तो नेविगेशन ऊपर चला जाता है और बड़ी स्क्रीन पर आप पूरा व्यू पा सकते हैं। इसी तरह यदि आप YouTube सहित कुछ दूसरे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप को चला रहे होते हैं तो नीचे छोटी स्क्रीन पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल एक्सेस मिल जाता है। ऐसे में आप मेन स्क्रीन पर सिनेमैटिक व्यू देख पाएंगे। मल्टीटास्किंग की बात करें तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि ये फोन मल्टीटास्किंग के मामले में आपको इम्प्रेस करेगा। इसी तरह एक स्क्रीन पर वीडियो देखते हुए दूसरे पर वेब सर्फ किया जा सकता है या फिर एक पर वेब सर्फ करते हुए दूसरे पर शॉपिंग कर सकते हैं। एक स्क्रीन पर आप मैप चला सकते हैं जबकि दूसरे पर कोई और काम कर सकते हैं। दूसरे स्मार्टफोन से इसका एहसास बिल्कुल अलग है। मल्टीटास्किंग के दौरान आपको किसी भी स्क्रीन को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। वहीं इसमें बार बार पॉपअप नोटिफिकेशन भी आपको परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फोन यूज के दौरान आप अपना ढेर सारा समय बचा सकते हैं। फोन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ये फोन Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट पर काम करता है और इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट है और ये Android 10 पर काम करता है। इसके साथ ही 4000mAh की बैटरी और क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट मिलता है। फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है और ये आपको निराश नहीं करेगा। यही नहीं, सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ये भी काफ़ी फास्ट है। रही बात कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको 4G और 5G के विंग मिल जाते हैं। 5G सुन के आप समझ ही गए होंगे कि ये एक फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर 2021 में आप एक इनोवेटिव और मल्टीटास्किंग वाले फ़ोन की तलाश में हैं जो आपके यूसेज एक्सपीरियंस को नई ऊंचाई दे, तो मैं कह सकता हूँ कि LG विंग 5G आपके लिए एक राइट फ़ोन है और इससे बड़ी इनोवेशन फिलहाल कोई नहीं है। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।